शक्तियों आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। ओम शांति। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। माँ ब्रह्मचारिणी की विशेष आराधना पूजा चारों ओर होती है और माँ ब्रह्मचारिणी नारी का दूसरा स्वरूप किशोरी अवस्था का, जिस तरह शैलपुत्री एक कन्या का स्वरूप है, वैसे मां ब्रह्मचारिणी किशोरी अवस्था का वो यादगार है कि जिस किशोरी अवस्था में उन्हें ब्रह्म ज्ञान का आचरण करना है, इसीलिए उसको घोर तपस्या करते हुए दर्शाया है। मां पार्वती का ही दूसरा स्वरूप जो भी सम्मानीय है, और इसीलिए नारी का यह दूसरा स्वरूप भी बहुत सम्मानीय है। साथ ही साथ जिस तरह कहा गया कि वो घोर तपस्या करती है, तपस्या का आधार एकाग्रता की शक्ति है, तो किशोरी अवस्था में ही वो जब ज्ञान अर्चन करती है अपने जीवन के अंदर, तो पूर्ण एकाग्रता के साथ आचरण में लाती है, तो वही उसकी तपस्या है। जब इंसान तपस्या करता है तो उसका मन विचलित नहीं होना चाहिए, मन का भटकाव नहीं होना चाहिए, तभी उसकी तपस्या सफल होती है। ठीक इसी तरह मां ब्रह्मचारिणी हमें यही उपदेश या एक संदेश दे रही है कि हमारे घर में कन्याओं को भी विशेष हमें साक्षर करना है, जीवन के अंदर आगे बढ़ाना है, और उसका मन एकाग्र हो उसका यत्न करना है, यही तपस्या है। ऐसी किशोरी अवस्था में कभी भी बाल विवाह को प्रोत्साहित नहीं करना है, परंतु उनको हर रीति से मन के भटकाव से सुरक्षित रखना, अर्थात उसकी तपस्या में उसका सहयोग देना है। और जो इस प्रकार कन्याओं का सम्मान करते हैं, उसकी तपस्या को भंग नहीं होने देते हैं, मानो मां ब्रह्मचारिणी की पूजा कर रहा है, आराधना कर रहा है, और तभी मां ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद उसके ऊपर बना रहता है। संसार के अंदर एक समय था जब नारियों के जो अवस्था थी वो पुरुषों के बराबर की थी, या मैं कहूंगी एक कदम आगे थी। जब इस भारत भूमि पर देवताओं का साम्राज्य था तो कहा जाता है कि देवी और देवता साथ में एक ही स्तर पर उनको रखा जाता था। इसीलिए भारत में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, श्री लक्ष्मी का स्थान प्रथम, पीछे नारायण, श्री राधे कृष्ण
कहा जाता था और श्री सीता राम कहा जाता था। आज तक भी लोग पूजा के समय सियावर रामचंद्र की जय कहते हैं, अर्थात जहां नर और नारी का स्थान एक ही प्लेटफॉर्म पर था। आज भी मंदिरों में जब उनकी पूजा करते हैं तो उन देवी देवताओं को एक साथ में रख करके पूजा जाता है। इतना प्राचीन काल के अंदर नारियों का सम्मान था। परंतु जब मध्य काल आया तो उस समय नारियों को पीछे कर दिया गया और जहां उनको पर्दे में रखा गया, खाली पर्दे में नहीं लेकिन यहां तक कईयों ने कह दिया कि नारी तो ताड़न के अधिकारी है और इसीलिए उसको उसका शोषण किया जाने लगा, उसके ऊपर अत्याचार होने लगे और हर रीति से उसको नर से पीछे धकेल दिया गया। ये नवरात्र का त्योहार हमें स्मृति दिलाता है कि नारी हर रीति से सम्मान योग्य है और जब पुनः परमात्मा इस संसार में अवतरित होते हैं वो शिव की शक्तियां जागृत होती है और उन शिव की शक्तियों को परमात्मा ज्ञान का कलश दे करके उनके जीवन को सार्थक करते हैं। इसीलिए कहा कि पढ़ाई की अवस्था, ज्ञान अर्जन करने की अवस्था, जहां एकाग्रता के साथ वो अपने अंदर परिपक्व होने लगती है और साथ ही साथ इस तपस्या में उसका साथ देना, सहयोग देना माना मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करना बराबर है। आज हम स्वयं में भी ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि जिस तरह प्रथम दिन में भ्रूण हत्या नहीं करेंगे, इसी तरह कभी भी बाल विवाह को भी कोई भी तरीके से हम सपोर्ट नहीं करेंगे और इस तरह नारी या कन्या पूजन, जिन कन्याओं की पूजा करते हैं, वास्तव में उसकी पूजा यथार्थ तभी होगी जब हम अपने जीवन के अंदर इस संकल्प के साथ प्रतिबद्ध होंगे और हर क्षेत्र के अंदर नारी को, उस कन्या को आगे बढ़ने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। तो चलिए आज हम इन्हीं विचारों के साथ अपने मन को एकाग्र करते हैं और अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं, एकाग्र करते हैं। आत्मस्वरूप पर, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं। ज्ञान की देवी मां सरस्वती का वरदान प्राप्त करते हैं। और अपनी एकाग्रता की तपस्या के माध्यम से स्वयं को सशक्त करते हैं।
सर्व कुशलताओं में संपन्न करते हैं। ज्ञान की शक्ति से स्वयं को सबल करते हैं, परमात्म शक्ति से स्वयं को सुसज्जित करते हैं, सशक्त करते हैं। ओम शांति।